नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे ही हम लोगों ने फ्री क्लासेस शुरू की हैं अपने इस चैनल पे फॉर बीएससी एंड बीकॉम, यानी कि बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी और बीकॉम के लिए। उसके बाद जो हमारे बीए के स्टूडेंट हैं, यानी कि जिनका भी बीए है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, आपकी लगातार क्वेरीज आ रही है कि सर बीए का क्लास चलाइए, सर बीए का क्लास कब चलेगा, सर बीए का क्या होगा। तो ऐसे में दोस्तों, चूंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीए में आपके 1, 2, 5 सब्जेक्ट नहीं होते हैं, 15 से अधिक आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे में मैंने एक आइडिया सोचा हुआ है, और वो आइडिया कहाँ तक सही है वो आपको, उसका जो सुझाव होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। और उस आइडिया का नाम क्या, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा और मैंने आपको बता भी दिया है कि 3 टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आएगा वेरी शॉर्ट, जिसको 50 वर्ड में लिखना होगा। दूसरा आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका शॉर्ट आएगा, जिसका आंसर आपको 100 वर्ड में देना है। और जो तीसरा क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग में आएगा, जिसका आंसर आपको 400 शब्दों में देने हैं। तो ऐसे में चूंकि सब्जेक्ट्स की संख्या ज्यादा है और बीए में ओनली मैं, यानी कि मैं ही हूं जो आपको सब कुछ पढ़ा सकता हूं, चूंकि सब कुछ पढ़ाना और इतने कम दिनों में संभव नहीं है, तो ऐसे में मैंने क्या सोचा है कि क्यों ना, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री हुआ, तो क्यों ना मैं एक एक करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एवरी सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, क्यों ना मैं आपको उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको हिस्ट्री के लॉन्ग, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस दे दिए कि ये मान लीजिए कि अगर आपके 10 क्वेश्चन हिस्ट्री में आने हैं, मैंने 20 क्वेश्चन करा दिया, उन 20ों में से आ जाएगा। तो इस तरह का मैंने एक प्लान सोचा हुआ है। मैं कहां तक सही हूं, क्या मुझे ऐसा कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में सुझाव देना है। फिर से मेरी बात याद रखिए, मैं पूरा कोर्स पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की बात कर रहा हूं। और एक यकीन मानिए, अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, इनकेस मैंने अगर आपके 20 क्वेश्चन दिए, उन 20ों में से पूरी 110% गारंटी है कि 15 से 16 प्रश्न वहीं से आने हैं। तो क्या आप ऐसा कुछ चाहते हैं, क्या मैं ऐसा कुछ करूं? तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो भी आपका सुझाव है दे सकते हैं। हालांकि मेरा मन तो पूरा है कि मैं पढ़ाऊं, लेकिन मैं अगर एक सब्जेक्ट शुरू करूंगा और बच्चे कहेंगे सर अब मेरे साथ यह नाइंसाफी है, सर ये कोर्स के चलाइए, उस कोर्स के चलाइए, क्योंकि भाई एक आदमी 1, 2, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है। तो ऐसे में जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।